महू शहर में स्वाइन फ्लू से हुई एक मौत। मामला टाल मोहल्ले का है और मृतक का नाम है रफीक कुरेशी। आवारा सुअर रहे इसका कारण। मालवा मिरर के लिए महू से सचिन काकड़े की खबर। बुधवार सुबह महू शहर के टाल मोहल्ला क्षेत्र में उस समय मातम छा गया जब यहाँ के एक किराना व्यापारी रफीक कुरेशी की इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना से उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को यह पता चला कि कुरेशी की मृत्यु स्वाइन फ्लू यानी H1N1 नामक बीमारी से हुई। लोगों में एक और क्षेत्र में घूमते हुए आवारा सुअरों को लेकर आक्रोश है तो दूसरी ओर भय भी है कि इतनी बड़ी संख्या में सुअर उक्त इलाके में घूमते रहते हैं जिस कारण इस बीमारी के शिकार और लोग भी हो सकते हैं। मृतक के बड़े भाई वरिष्ठ एडवोकेट हमीदुल्ला कुरेशी ने बताया कि 3 नवंबर को रफीक को भर्ती किया गया था और 2 अस्पताल बदलने के बाद भी उनका बचाया नहीं जा सका तथा 14 नवंबर की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। एडवोकेट कुरेशी ने मालवा मिरर से बातचीत में बीमारी के कारणों और प्रशासन द्वारा सुअर पालकों पर सख्त कार्रवाई करने के बारे में कहा। देखिए स्वाइन फ्लू को 13 तारीख को एडमिट किया था हमने चौथा में और वेरी वेरी सेम डे उसको सैंपल लेकर उसके बलगम का और उसको जांच के लिए संबंधित लेबोरेटरी में भिजवा दिया था। हमसे कहा गया था कि जबलपुर भेजा जा रहा है। जब तक कि हमें लग रहा है कि स्वाइन फ्लू है हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं परंतु आने पर कन्फर्म हो के अगर आ जाता पॉजिटिव आ जाता है तो फिर बात उसका ट्रीटमेंट बाकायदा हम करेंगे परंतु उसका आखिर तक उसका सैंपल का रिपोर्ट आ ही नहीं है। जबलपुर या भोपाल रात दिन कीटाणु सुअर से आता है परंतु सुअरों को शहर से बाहर करने में या सुअर पालन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में या इनको शहर में नहीं प्रवेश कर पाए सुअर ये सब करने के लिए कोई यत्न कोई प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इसके कारण खुलेआम सुअर घूम रहे हैं। बीमारी किसी और फैल जाए और ज़्यादा कैजुअल्टी हों और किसी घर में मातम मचे भगवान ऐसा ना करे ऐसा हो इसलिए प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा संबंधित अधिकारीगण से कि सुअरों को जो है प्रवेश सिटी में रोका जाए उनको बाहर भेजा जाए और सुअर पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब भी इनकी जो प्रशासन की मीटिंग होती है बीमारियों को लेके सुअर पालकों को लेके या जो गाय भैंसों को लेके तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमने ये कार्रवाई करी है तो किसी कार्रवाई का असर आपको कभी दिखा? एक तो ये फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। आज तक कोई सीरियस एक्शन सीरियस कार्रवाई मेरे नज़र में मेरे ज्ञान में तो मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। ये केवल मीटिंगों तक और मीटिंगों के बाद निर्णय लेकर उसको बस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है कोई उसके एक्शन नहीं लिया जाता है उसमें प्रयास नहीं होता उसमें अमल नहीं होता। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।